आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सीधे सीधे मैं शहीदों पर चार पंक्तियों से मेरी बात प्रारंभ करता हूं। समय की अपनी सीमाएं बिना भूमिका के, जहां अच्छा लगे तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद देना, और जहां अच्छा नहीं लगे डबल तालियों के साथ आशीर्वाद देना। चार पंक्तियां रखता हूं, दिन भर से सुन रहे हैं 5 बजे से, थोड़ा सा खुल जाना आप लोग। ये मिट्टी पूजते हैं हम, ये मिट्टी पूजते हैं हम, लहू काच मन करके हुए हैं वीर गत कितने, हजारों अरी दमन करके उन्होंने जिंदगी देकर, उन्होंने जिंदगी देकर हमें ये जिंदगी दी है। चलो दीपक जलाए आज शहीदों को नमन करके, चलो दीपक जलाए आज शहीदों को नमन करके। मैं बस्तर से आया हूँ, पूरे कवि समुदाय के लोग मैं यूट्यूब में सुनता हूँ, मंचों से सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बस्तर में कोई स्वतंत्रता सेनानी थे ही नहीं। मैं 1910 का भूमकाल विद्रोह हूँ, उसको एक गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बस्तर में स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आजादी में बस्तर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक भूमकाल विद्रोह 1910 सुनिएगा। जब भोले भाले पुरखों से जमीन जंगल जल छीन लिए, जब शुरू में अंग्रेज आए थे तब उन्होंने किस पर अतिक्रमण किया, तब पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा। जब भोले भाले पुरखों से जमीन जंगल जल छीन लिए, गोरे कौओं की आवाजें भुजाओं से बल छीन लिए, इमली मऊआ के फूलों सा, बस्तर का दर्शन भी कर लीजिएगा आप लोग, इमली मऊआ के फूलों सा जब टप टप खून टपकाए हैं, रेशमी सांसों के धागों को छोटे छोटे बच्चों तक अंग्रेज लोग नहीं छोड़ते थे, छोटे बच्चों तक अंग्रेज लोग फांसी की सजा देते थे, उनको मारते थे बेरहमी से, तब ये पंक्तियां पढ़ता हूं। रेशमी सांसों के धागों को जब बारूद से पिघलाए हैं, रेशमी सांसों के धागों को जब बारूद से पिघलाए हैं, जुल्म की आग से धरती को, जुल्म की आग से धरती को रंगे जब हद से ज्यादा लाल, तब आए हैं भूमकाल, हैं अपने भूमकाल, लड़े रण रण में भूमकाल, बसे कण कण में भूमकाल। जब अंग्रेज लोग हम लोगों को मार रहे थे तो हम लोग खामोश नहीं थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खामोश नहीं थे क्या? बस्तर में किस तरह से गुंडा ध्रुव के नेतृत्व में, डेबरी ध्रुव के नेतृत्व में अंग्रेजों को खदेड़े, ये पंक्तियां सुनिए। हम जैसे वाके घोषों से, हम जैसे वाके घोषों से चलाते तीर कुल्हाड़ी, जिद्दी आंखों से टकरा कर बंद हुई बंदूक की नाड़ी, हड्डियां टूट कर चिल्लाते गुंडा धुर के तीरों से, हड्डियां टूट कर चिल्लाते गुंडा धुर के तीरों से, लंदन तक भू थर्राया बस्तर के शूरवीरों से, लंदन तक भू थर्राया
बस्तर के शूरवीरों से बैठ कर के समंदर में बैठ कर के समंदर में बुनते हैं जो आग से जाल, बैठ कर के समंदर में बुनते हैं जो आग से जाल, वो है अपने भूमकाल, है मनवा भूमकाल, लड़े रण रण में भूमकाल, बसे कण कण में भूमकाल। अंतिम बंद, स्वागत है, स्वागत है। जब जब अंग्रेज परास्त होते थे, हारने का नौबत जब जब आता था, तब तब एक षड्यंत्र रचकर कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कमजोर किए थे। वैसा ही बस्तर के जो आदिवासी थे वो मिट्टी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। तब अंग्रेज लोग किस तरह से षड्यंत्र रचकर भारत बस्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी चढ़वाए, ये पंक्तियां सुनिएगा। बनाकर ढाल माटी को सूर्य के रथ को मोड़ दिए, बनाकर ढाल माटी को सूर्य के रथ को मोड़ दिए, अंधेरी रात में कायर मांदर तुप की फोड़ दिए, जिस डाली पे कूदा बचपन जवानी झूला फंदे पर, जिस डाली पे कूदा बचपन जवानी झूला फंदे पर, जब वंधीरों के छूटे प्राण उठाया गांव कंधे पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब वंधीरों के छूटे प्राण उठाया गांव कंधे पर, धरती की अर आंसू से, धरती की अर आंसू से पैदा होंगे रण के लाल, धरती की अर आंसू से पैदा होंगे रण के लाल, वो है अपने भूमकाल, है मनवा भूमकाल, लड़े रण रण में भूमकाल, बसे कण कण में भूमकाल।